हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सिक्स स्टैंडर्ड का एट चैप्टर। बहुत अच्छा चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है जन्मदिन। तो लेसन नंबर एट है और लेसन का नाम है जन्मदिन। जन्मदिन यानी कि बर्थडे, मैंने इंग्लिश में मीनिंग लिखा है, वैसे तो सबको पता चल गया रहेगा। और यहाँ के राइटर है प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव, जिन्होंने ये पूरा स्टोरी पूरा लेसन लिखा है। उनका नाम है प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव। तो हम स्टार्ट करते हैं। गर्मी पड़ने लगी थी, गर्मी यानी कि समर सीजन स्टार्ट हो गया था वहां पे। धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले। तो हम बोल सकते हैं कि जैसे अप्रैल होता है, फरवरी होता है तो ठंडी खत्म होती है, फिर धीरे धीरे कैसे गर्मी का सीजन आने लगता है तो धूप कितना बढ़ जाता है, तो हमें कितना धूप में निकलने के लिए कंटाला आता है, तो धूप का प्रेशर बढ़ जाता है, चक्कर वक्कर आता है। तो वही बता रहा था इसमें, बोला है कि धूप अपनी, मतलब जो समर सीजन था वो धीरे धीरे अपना तेवर, मतलब अपना सब जो भी हॉटनेस गर्मी वो सब दिखाने लगा था। सूरज आग बरसाने लगा था। तो जो धूप घिरती थी तो हमें ऐसा लगता था कि जो सूरज की किरणी, ऐसा लगता था कि वो हम पे क्या कर रहा है, आग का गोला फेंक रहा है, ऐसा हमें लगता था जब सूरज की किरण हम पे गिरती थी गर्मी के टाइम पे। मगर इन सब से बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था। मतलब ये सारी जो भी चीज थी ना, उससे एक ना बबलू नाम का लड़का था, उसे ये सारी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो अपनी लाइफ में बहुत मस्त था, यानी कि खुश था। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। तो वो बाथरूम में गया था नहाने के लिए, फ्रेश होने के लिए, तो उसको वहां अंदर जाके कितना हाफ एन आवर यानी कि आधा घंटा हो गया था। उसे शावर के नीचे उसकी धमा चौगड़ी मची हुई थी। तो शावर के नीचे वो मस्त खेल कूद के क्या कर रहा था, नहा रहा था। कभी तो वह शावर के साथ नल की टोटी भी खोल देता। तो क्या करता वो, बट क्या करता, शावर के नीचे नहा रहा है बट वो साथ साथ में क्या करता था, नल का टैप भी क्या करता था, ओपन करके रख देता था, भले ही पानी वेस्ट हो रहा है तो होने दो, ऐसा करता था। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो। फिर लास्ट में मम्मी उसकी बहुत वेट करती थी कि निकलेगा निकलेगा, बट वो निकलता ही नहीं था। तो फिर लास्ट में उसकी मम्मी क्या करती थी, उसको चिल्लाती थी और बोलती थी कि तू बाहर निकल जल्दी, कब से घुसा हुआ और तेरा नहा के नहीं हुआ तो एटलीस्ट तू शावर से नहा रहे, तो नल तो बंद करके रख दे, पानी क्यों वेस्ट कर रहा है, उसकी मम्मी उसको चिल्लाती थी हमेशा। माँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो बबलू जब माँ उसको चिल्लाती थी तो बबलू क्या बोलता था कि माँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। तो क्या बोलता था, मैं तो सिर्फ क्या कर रहा हूँ, नहा रहा हूँ। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाते रहूं, बबलू बोला। तो क्या बोलता अपनी माँ को कि मम्मी मुझे ये गर्मी के सीजन में क्या लगता है कि मैं हमेशा क्या करूं, मतलब बाथरूम में नहाता ही रहो, इतना ठंडा लगता है, और जैसे ही मैं बाहर निकलता हूं तो मेरे को क्या होता है, गर्मी होता है। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। तो जो बबलू की ये बैड हैबिट थी उससे वो दोनों मम्मी मतलब उसके मॉम डैड क्या थे, उससे परेशान थे वो आदत से। वह मंजन करते समय देर तक पानी बहाता, मतलब जब वो ब्रश करता तब भी वो क्या करता, वो नल की टैप को ओपन ही रखता, बंद करता ही नहीं। तो हम यहाँ पे देख सकते कैसे वो नहाते, नहाने के टाइम में जो पानी वेस्ट करता है, नहा के हो जाता फिर भी वो पानी वेस्ट करता, और यहाँ पे ब्रश करने के टाइम पे भी क्या कर रहा है, अपना टैप ओपन कर रहा है, तो यहाँ पे भी वो क्या कर रहा है, पानी वेस्ट कर रहा है। पानी बहता रहता। स्कूल में भी उसे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती। तो जैसे वो उसकी जो हैबिट थी वो घर में भी सेम हैबिट थी और स्कूल में भी वो वैसे ही करता। स्कूल में भी वॉशरूम जाता तो क्या करता, नल खुला ही छोड़ के क्या करता, घर पे यानी कि क्लासरूम में चले जाता। वह वहां के नल की टोटी भी अक्सर खुली छोड़ देता। तो वहां पे भी क्या करता, जो नल का टैप रहता ना, वो हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करता, ओपन करके ही आ जाता। एक पानी की ही बात नहीं थी, मतलब सिर्फ पानी की बात नहीं थी, उसके साथ वो दूसरी चीज भी वेस्ट करता था। बिजली के साथ भी यही होता, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी वो क्या करता था, सेम चीज ही करता था, उसको भी वेस्ट करता था। वह कमरे में न हो तो भी तब भी पंखा खुला रहता था,
कभी कूलर बंद करना भूल जाता था। मतलब अगर वो अपने रूम में नहीं रहेगा तो भी वो अपना पंखा मतलब फैन ऑफ नहीं करता था, या फिर कभी फैन ऑफ कर देता था तो क्या करता था, कूलर बंद करना भूल जाता था। कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता तब भी बल्ब जलता रहता, और कभी अगर वो स्टडी रूम में स्टडी करता रहता तो भी वो अगर वो स्टडी करते करते सो जाता तो जो लाइट है वो भी क्या करता, ऑन ही रहने देता, उसको ऑफ नहीं करता। माँ को ही बुझाना पड़ता, मतलब उसकी मम्मी आके लाइट को क्या करती, ऑफ करती। तो हम यहाँ पे ये पिक्चर में देख सकते कैसे बताया कि बबलू पढ़ रहा है बट पढ़ते पढ़ते वो सो गया, तो जो लाइट है वो उसने क्या किया, चालू ही रहने दिया, उसको बंद नहीं किया। तो वो ऐसे अपने मम्मी डैडी को परेशान करता था, और ये दो चीज पानी और लाइट क्या करता था, वेस्ट करता था। पानी हो या बिजली यानी कि ऊर्जा दोनों का भंडार सीमित है। तो इसमें क्या बोला है कि पानी हो या बिजली, मतलब पानी और बिजली दोनों चीज हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों की जो एनर्जी है ये दोनों हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट है, और वो जो दोनों एनर्जी है वो एक लिमिटेड है, मतलब पानी और बिजली बहुत लिमिटेड है, उसको ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर पूरा खत्म हो गया तो ह्यूमन बींस क्या करेंगे, तो वो लिमिटेड चीज है पानी और बिजली, तो उसको हमें संभाल के यूज करना चाहिए, और जितना यूजफुल हो उतना ही हमें क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। ऐसा ये स्टेटमेंट में ऐसा बताया, दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा। तो उसकी मम्मी वही सोच रही है कि अगर सभी लोग बबलू की तरह करेंगे, पानी भी वेस्ट करेंगे और बिजली भी वेस्ट करेंगे, तो किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। नहाना वहाना तो दूर, लोग एक घूंट पानी के लिए तरसेंगे। नहाएंगे तो नहीं बट बहुत सारे मतलब बहुत लोगों को पानी भी पीने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन यह बात बबलू की समझ में बिल्कुल ना आती, तो उसकी मम्मी उसको इतना समझाती, उसके डैडी भी समझाते कि ऐसा मत करो, तो भी उसको ये सारी बात कुछ समझ में आती ही नहीं। माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उसके मॉम डैड, बबलू के मॉम डैड दोनों मतलब कुछ ना, बबलू के मॉम डैड है ना सोच रहे थे कि हम लोग इसको सुधारे, मतलब कुछ तो ऐसा करें जिसको इसको समझ में आए कि ये चीज नहीं करनी चाहिए, बट उनको कुछ सूझ ही नहीं रहा था, कुछ सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा था ये प्रॉब्लम का। उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था, तो जिस दिन वो सोच रहे थे तो उसी दिन क्या था, शीला मौसी यानी कि बबलू की मौसी की बेटी का क्या था, जन्मदिन यानी कि उसका बर्थडे था, और जिसका बर्थडे था वो लड़की का नाम था पूजा। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था, तो बबलू की फैमिली को क्या किया था, वहां पे इन्वाइट किया था, खाने के लिए बुलाया था। शाम को सब उनके यहाँ पहुंच गए और बबलू को वहां पसरा सन्नाटा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। तो बबलू और उसके मॉम डैड दोनों पूजा के घर पे पहुंच गए जिस दिन उसका बर्थडे था, बट वो बबलू जब वहां पे गया तो उसको क्या दिखा, एकदम पसरा सन्नाटा यानी कि उसको पूरा एकदम साइलेंस दिखा, क्योंकि बर्थडे के दिन किसी के घर पे साइलेंस नहीं होता, सब सेलिब्रेशन करते, नाचते, डांस करते, तो ये सारी चीज होती है, बट वो वहां पे गया तो उसको एकदम साइलेंस दिखा, तो वो देखकर ही क्या हो गया, वो आश्चर्य यानी कि शॉक हो गया। मेज पर भोजन लगा हुआ था, मतलब डाइनिंग टेबल पे क्या लगा हुआ था, खाना लगा हुआ था। गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी, मतलब जिस दिन पूजा का बर्थडे था तो बलून्स भी लगे हुए थे और झालर भी लगे हुए थे, बट कमरे में क्या नहीं थी, लाइट नहीं थी, और उसके वजह से रोशनी नहीं आ रही थी। तो बर्थडे के दिन तो रोशनी बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट होती है, जब लाइट रहेगी तब भी हम अपना बर्थडे और अच्छे से बना पाएंगे, बट उस दिन उसके घर पे लाइट ही नहीं थी, कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे, कूलर और फैन भी क्या नहीं हो रहे थे, चल नहीं रहे थे, बिकॉज क्या नहीं था, लाइट नहीं था। तो हम ये पिक्चर में देख सकते हैं कैसे ये बलून्स लगा, ये जो चीज लगा उसको झालर बोलते, और ये पूजा का बर्थडे था तो यहाँ पे फैन सब ऑफ है बिकॉज वहां पे लाइट नहीं थी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये है बबलू। केवल दो एक मोमबत्तियों का धीमा प्रकाश फैला हुआ था, तो उसके बर्थडे में क्या किया था, अभी लाइट नहीं है तो
लाइट तो थी नहीं, बिजली थी नहीं, तो घर में उजाला तो रहना चाहिए ना। तो उसकी मॉम ने क्या किया था, एक दो मोमबत्ती लगाई थी जिससे थोड़ी बहुत रोशनी कमरे में आ रही थी। सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे, सब सब एकदम टेंशन में थे बिकॉज बहुत गर्म हो रहा था। तो सब वैसे ही परेशान नजर आ रहे थे, सब टेंशन में दिख रहे थे। शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है। तो शीला मौसी ने क्या बताया कि गर्मी बहुत बढ़ रही है, तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रिशियन से उन्होंने क्या किया है कि बिजली का जो टाइम रहता है वो क्या कर दिया, आधा आधा कर दिया। मतलब आधा घंटा हर एक जगह क्या होगा, बिजली जाएगी। इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। मतलब बिजली की कटौती, मतलब बिजली का शॉर्टेज कर दिया है। मतलब दिन में दो तीन बार लाइट क्या होगी, जाती आती रहेगी। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, तो हर एक कॉलोनी में अलग अलग टाइम था लाइट जाने का। तो जिस दिन पूजा का बर्थडे था उसी दिन वो टाइम पे पूजा के घर पे क्या नहीं था, लाइट नहीं था। फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉक में कटौती करेंगे, इससे क्या। तो उसकी पूजा पूजा की मम्मी बोलती है कि जैसे हमारे ब्लॉक में आज से कटौती हुई है, वैसे धीरे धीरे हर एक ब्लॉक में, हर एक कॉलोनी में कटौती यानी कि शॉर्टेज स्टार्ट होने वाली है। हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से मनाएंगे ही। तो उसकी मम्मी क्या बोलती है कि अगर लाइट नहीं है तो क्या हुआ, बट हम पूजा का जन्मदिन, पूजा का बर्थडे अच्छे से बनाएंगे। डांस जो भी चीज हम लाइट के टाइम पे करेंगे वो बिना लाइट में भी हम कर सकते हैं, ऐसा पूजा की मम्मी ने बोला। फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाइयाँ बांटी। फिर पूजा की मम्मी ने क्या किया, पूजा की आरती उतारी और उसे मिठाई खिलाई। फिर मिठाई उसको खिलाने के बाद सभी को, जो भी मेंबर्स उसके बर्थडे में आते हैं उन सबको दिया। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। फिर सब लोगों ने हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग गाया। धमा चौगड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। फिर मस्ती मस्ती में सब बच्चों ने क्या किया, जितने भी गुब्बारे लगे थे वो सभी फोड़ दिए। सभी गुब्बारे और टॉफियां पर टूट पड़े। कोई बच्चे गुब्बारे फोड़ने लगे, कोई बच्चे केक खाने लगे, कोई बच्चे चॉकलेट्स खाने लगे, सब अलग अलग खाने लगे। कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भी भूल गए। कुछ देर में, मतलब जैसे उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना स्टार्ट हुआ और वो बलून सब फोड़ने लगे, तो उनको याद ही नहीं रहा कि लाइट है कि नहीं, और वो लाइट की वजह से परेशान में, उनको कुछ ऐसा ध्यान में ही नहीं आया, वो अपनी मस्ती कर रहे थे। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों अब धमा चौगड़ी बंद करो। कुछ ही देर में पूजा की मम्मी का नाम था शीला। तो शीला मौसी ने क्या बोला कि चलो बच्चों अब तुम अपनी मस्ती बंद करो और यहाँ पे आ जाओ जहाँ पे उन्होंने बुलाया था। सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी करो। तो उन्होंने क्या बोला कि सब खाने के लिए आ जाओ, सबका खाना मैंने लगा दिया है। सब खाने की मेज पर पहुंच गए, सब डाइनिंग टेबल के पास क्या किए, वहां पे जाके पहुंच गए, वहां पे जाके बैठ गए। इस बीच बबलू को बहुत जोरों से प्यास लग गई। इसी बीच बबलू को क्या लग गई, बहुत जोर से प्यास लग गई। मगर शायद पानी न होने से सभी के ग्लास आधे ही भरे। उस दिन लाइट के साथ साथ और क्या भी नहीं था, पानी भी नहीं था, तो इसलिए खाने के टाइम पे जो ग्लास में पानी भरा था वो सबके ग्लास में सिर्फ आधा ग्लास ही पानी भरा था, नहीं तो फुल ग्लास भरा जाता, बट वो टाइम पे आधा ग्लास ही, हाफ ग्लास ही पानी भरा था हुए थे। बबलू एक घूंट में ही सारा पानी घटक गया, पर इससे उसकी प्यास नहीं बुझी। तो वो आधे ग्लास से पानी में, वो बबलू ने क्या किया, एक ही घूंट में पूरा पानी पी लिया, तो भी उसकी प्यास नहीं बुझी, मतलब प्यास नहीं गई। फिर भी वह खाने में जुट गया, तो भी उसकी प्यास लगी, तो भी वो भूल गया और वापस खाना कंटिन्यू किया। दो चार कौर भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। मतलब दो चार निवाला खाते ही, दो चार निवाला अंदर जाते ही उसकी प्यास क्या हो गई और बढ़ गई। वह प्यास से बेचैन हो उठा। तो वो प्यास के मारे एकदम गुस्सा आ रहा था, उसको बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी और कुछ खा नहीं पा रहा था, तो उसको पानी भी नहीं मिल रहा था बिकॉज सब पानी नहीं था। गर्मी अलग परेशान कर रही थी और पानी के साथ साथ उसको गर्म गर्म भी हो रहा था, और बिकॉज लाइट भी नहीं थी।
वह पानी पानी चिल्लाने लगा। तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मुझे पानी चाहिए करके। लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था। बट पानी का जग क्या हो गया था, खाली हो गया था, बिकॉज सबको उसने जितना पानी था सबको उसने आधा आधा दे दिया। शीला मौसी मुंह बनाकर बोली, क्या बताओ बेटे, इस ब्लॉक में ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है। तो उन्होंने क्या बोला कि क्या बताओ, मैं आज लाइट के साथ साथ भी मेरे ब्लॉक में पानी, जो पानी का जो टंकी रहता है उसकी क्या हो रही है, सफाई हो रही है। उसके वजह से पानी पूरा खत्म हो गया, बिकॉज जब टंकी साफ करते तो पानी हमें खत्म करना पड़ता है, तो ही हम उसको साफ कर पाएंगे। तो उन्होंने वही किसको बताया, बबलू को। कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है, तुम लोग खाना खाओ। तो उसकी शीला मौसी ने क्या बोला कि कोई बात नहीं, तुम ये सारी चीज भूल जाओ, अच्छा बुरा तो होता ही रहता हमेशा, तुम क्या करो, खाना कंटिन्यू करो। अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, कहीं ना कहीं से पानी तो मिल ही जाएगा। तो उसकी मम्मी ने क्या बोला, सॉरी शीला मौसी ने क्या बोला कि तुम खाना कंटिन्यू करो, हम अड़ोस पड़ोस में पूछते किसी के पास एक्स्ट्रा पानी होगा तो हम लेकर आते। लेकिन यह आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली। मतलब जब शीला मौसी ने ऐसा उसको दिलासा दिया कि तुम खाना कंटिन्यू करो, हम कैसे भी पानी लेकर अरेंज करते लेकर आते, तो भी ये सुनकर बबलू परेशान हो रहा था, उसको चाहिए, मतलब अभी चाहिए, ऐसा वो बोल रहा था। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। तो प्यास से उसका गला क्या होता है, एकदम सूख गया था। खाने का एक कौर भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। तो उसको इतनी प्यास लग रही थी कि खाने का एक निवाला भी वो अंदर नहीं डाल पा रहा था। वह प्यास से झपटाने लगा, झटपटाने लगा। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था। तो मतलब इसमें क्या बोला कि उसको पानी नहीं मिल रहा था, तो वो बहुत बेचैन हो रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था उसको। और मतलब उसने फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में अनुभव किया कि बिना पानी के अगर हमारे पास पानी नहीं रहेगा तो हम कैसे रहेंगे। तो उसने फर्स्ट टाइम रियलाइज किया कि बिना पानी के हम कैसे रहेंगे। तो ऐसे रियलाइज करने से तो उसको पानी तुरंत मिल नहीं जाता, जैसे आज पानी को। तो बबलू ने अपनी बर्बादी का जी भरकर बदला जो लेना था। तो जैसे जैसे बबलू पानी कैसे वेस्ट करता है, तो पानी मतलब इसमें ऐसा एग्जांपल बताया कि जैसे बबलू कैसे पानी को वेस्ट करता है, तो वैसे ही पानी भी ऐसा चाह रहा था कि मुझे बबलू को बताना है कि पानी का इम्पोर्टेंस क्या होता है। ऐसा वो कंपैरिजन बताया कि पानी बबलू को कैसे रियलाइज करवाता है कि उसकी इम्पोर्टेंस कैसी है उसके लाइफ में। अब तो बबलू क्या तमाम बच्चों को धैर्य जवाब देने लगा था। मतलब बबलू के साथ साथ जो बाकी बच्चे थे उसको भी वो सारी चीज करनी पड़ रही थी, क्योंकि उनको भी पानी नहीं मिल रहा था जैसे बबलू को। तो उनका भी जो उतनी देर से वो बच्चे भी कंट्रोल कर रहे, तो उनका भी वो कंट्रोल क्या हो गया, खत्म हो गया, वो अभी नहीं कर पा रहे थे। तभी एक चमत्कार हो गया, अचानक बिजली आ गई। अचानक क्या हो गया, लाइट आ गई, कूलर पंखे चलने लगे। तो लाइट आने के बाद कूलर और फैन भी क्या हो गया, चलने लगे। कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। जैसे ही लाइट आई वैसे ही कमरा पूरा रोशनी से भर गया और एकदम अच्छा दिखने लगा। सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। तो लाइट आने पे कैसे सभी बच्चे चिल्लाते, तो वैसे वहां पे भी सभी बच्चे क्या किए थे, चिल्लाने लग गए थे। मगर बिजली आने भर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। मतलब इसमें क्या बोला है, बिजली आ गई तो क्या हो गया, उससे हमारी प्यास तो बुझने वाली नहीं है। अंकल को भी अचानक कुछ याद आया। तो जो अंकल थे उनको भी कुछ अचानक याद आ गया। वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों मैं तो भूल ही गया। तो वो अचानक उनको कुछ चीज याद आ गई और वो एकदम खुश होकर बोलेगी, अरे मैं तो ये बताना भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। तो क्या बोले कि मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गया कि जो बड़ा वाला कूलर है उसके अंदर पानी क्या है, भरा हुआ है।
अगले ही पल वहां का दृश्य बदल गया, मतलब थोड़े ही टाइम में वो वहां का जो सीन था वो क्या हो गया, अचानक चेंज हो गया। थोड़े टाइम पे पानी और बिजली दोनों नहीं था, और थोड़े ही टाइम में पानी और बिजली दोनों ही आ गया, तो सबके चेहरे पे जो खुशी थी वो देखने लायक थी। कमरा ठंडी हवा से भर उठा, बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। मतलब जैसे ही लाइट आ गई तो फैन और कूलर सब चालू हो गया, और पानी भी मिल गया, तो जो एकदम चटपटा खाना था उसका क्या करने लगे, वो स्वाद यानी कि टेस्ट उठाने लगे, स्वाद लेने लगे, टेस्ट लेने लगे। बबलू की तो बांचे खिल उठी, और बबलू तो बहुत हैप्पी हो गया, बिकॉज वो बहुत गर्मी से परेशान था और उसको प्यास भी बहुत लग रही थी। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देख कुछ मुस्कुराए। तो जब सेलिब्रेशन खत्म हो गया और जब अपने अपने घर पे जा रहे थे, तब बबलू की मम्मी और शीला मौसी दोनों एक दूसरे को देखकर क्या कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू नहीं समझ पाया। तो दोनों क्यों मुस्कुरा रहे, क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे, तो वो रीजन अभी तक बबलू को कुछ समझ में नहीं आया। घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा। तो घर जाने के बाद उसकी माँ उसको जब भी देखती थी, तब भी बबलू किसी सोच में ही दिखाई देता था। बबलू कुछ नहीं बोला। शीला मौसी के यहाँ जो घटना हुई वह अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। तो वो जिस दिन सेलिब्रेट करने गया था पूजा का बर्थडे, तो जो भी सिचुएशन वहां पे हुआ था, तो वो सारा सीन उसके सामने बार बार आता ही रहता था बबलू के सामने। अपने आंगन की गौरिया की प्यास से खुली चोंच, तो मतलब वहां पे जो उसका गार्डन था, वहां पे जो बर्ड था, तो बर्ड को भी पानी कोई रखता नहीं अपने बाहर, जहाँ पे वो आके पानी पी सके। वो पानी कौन सा भी पीती है, गटर का जो भी थोड़ा बहुत गंदा पानी मिला वो पी के अपना प्यास बुझाती है। बाहर सड़क की नाली में जीभ निकाला हाफता हुआ टॉमी। तो अभी कुत्ता भी, उसको भी कोई अच्छा पानी नहीं देता, जैसे हम अच्छा पानी पीते वैसा वो कुत्ता नहीं पीता, वो भी कौन सा भी पानी, जो नाली का कौन सा भी गटर का पानी वो पीता है। शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता उसका गला, और शीला मौसी के यहाँ पे किसका गला सूख रहा था, बबलू का गला सूख रहा था। पंखा कूलर जरा देर के लिए बंद रहने पर बहता पसीना, और जो लाइट ना होने के वजह से जो उसको पसीना आ रहा था वो भी उसने देखा, किसने, बबलू ने। बहुत कुछ नहीं, अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तो उसने मतलब बबलू वही देख रहा था कि मतलब ये जैसे कि मुझे अच्छा पानी मिलता है, अच्छा रहने के लिए मिलता है, अच्छी लाइट्स मिलती है, तो जो जिसको नहीं मिलती है वो कैसे वो सिचुएशन को करता है। यहाँ पे पैरेट कोई भी बर्ड हो या फिर कोई भी एनिमल्स हो, उसको हमेशा अच्छा पानी नहीं मिलता है, तो वो कौन सा पानी पीते, नाले का पानी पीते, वो जो गंदा होता है। और बबलू को अच्छे से रहने के लिए मिल रहा है, उसको पानी अच्छा मिल रहा है, तो भी वो पानी का वैल्यू नहीं कर रहा, उसको वेस्ट कर रहा है। तो वो अब वही बोल रहा है कि मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, मैं सारी चीज को अच्छे से यूज करूंगा। माँ कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है। तो वो अपनी माँ को क्या बोलता है कि माँ मुझे कल से एक छोटा सा बर्तन है, उसके अंदर क्या भर के रखना है, पानी भर के रखना है। माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब न रखे। तो उसकी मम्मी हंसकर बोली कि तू इतना पानी वेस्ट कर देता तो पानी कुछ बचता ही नहीं, तो मैं तुझे अलग से बर्तन में पानी कहाँ पे कहाँ रख कर दूँ, जब तू बचाएगा तब भी तो मैं दूंगी, ऐसा उसकी मम्मी ने बोला। माँ अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी, बबलू आत्मविश्वास से भरकर बोला। तो बबलू एकदम कॉन्फिडेंस होके बोला, उसको पता चलिया पानी की इम्पोर्टेंस क्या है। तो उसने अपनी माँ से बोला कि माँ अभी मैं पानी का एक भी बूंद, एक भी ड्रॉप्स क्या नहीं करूंगा, वेस्ट नहीं करूंगा। मगर बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक मात्र था। तो शीला मौसी के यहाँ पे जब वो गया था सेलिब्रेट करने बर्थडे, तो उसके यहाँ पे लाइट भी थी और पानी भी था, बट बबलू को सबक सिखाने के लिए ये सारा नाटक किया गया था ताकि उसको इम्पोर्टेंस पता चले।
उसे सबक सिखाने के लिए माँ ने चलने से पहले शीला मौसी को फोन पर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था। मतलब जब वो सेलिब्रेशन के लिए उसके घर शीला मौसी के घर जाने वाले थे, तब भी उसके पहले बबलू की मम्मी का और शीला मौसी का फोन पे क्या हो गया था, बात हो गया था। और बबलू की मम्मी ने ये सारी बुरी आदत जो बबलू की है, वो सारी जो आदत है वो किसको बता दी थी, शीला मौसी को बता दी थी। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था, तो शीला मौसी ने भी क्या किया था कि ठीक है तुम आ जाओ, हम कुछ ना कुछ करते जिससे बबलू की आदत क्या हो जाएगी, सुधर जाएगी। उन्होंने यही नाटक किया जो कि पूरी तरह कामयाब रहा। तो उन्होंने वैसे ही नाटक किया जिसमें वो कामयाब यानी कि सक्सेस हो गए, सफल हो गए। अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली अनमोल है। तो अब खुद बबलू जो पहले वेस्ट करता था दोनों चीज, अभी खुद वो अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को खुद समझाता कि ये दोनों हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंस है, इन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखो। और वो ये भी बोलता है कि ये चीज इतनी जितनी यूज है उतनी यूज करो, और फ्यूचर के लिए हमें क्या करना है, इसे बचा कर यानी कि वेस्ट नहीं करना, हमें उसको सेव करके रखना है। तो ये पूरे लेसन में हमें यही पता चला कि बबलू की जो बुरी आदत थी उसे कैसे उसको सुधारा गया, और जो भी पानी वेस्ट करता था, बिजली वेस्ट करता था, वो नहीं करता। और उससे उसे उसने एक अच्छी बात भी सीखी कि वो एक बर्तन में पानी भर कर रखता था जिससे वो जो एनिमल्स है जो गंदा पानी पीते वो पानी को पी सकते थे। तो जो उसके अंदर बैड हैबिट्स थी वो उसके अंदर चेंज होके एक अच्छी आदत बन गई, और वो दूसरों की हेल्प करने भी लगा और दूसरों को समझाने भी लगा। तो ये बहुत अच्छा लेसन है, रीड करो और अच्छे से समझो, और तुम भी पानी सेव करो और वेस्ट मत करो। थैंक यू।